लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट, तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती पर गांधी के विचारों का कत्ल यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार कैसे कर रही है, आपने तो वो तस्वीर देखा होगा। महिलाओं के साथ मीडिया की आवाज़, पीड़ित परिवार की आवाज़ यूपी पुलिस कैसे दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर पुलिस को क्या डर है? क्यों मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही है? क्यों मीडिया के कैमरे बंद कराए जा रहे हैं? अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी के पुलिस पर, योगी सरकार पर। आखिर क्या राज खुल जाएगा? पीड़ित परिवार से क्यों इतनी शक्ति दिखा रहे हैं यूपी पुलिस? आज पूरा देश हाथरस की बेटी की इंसाफ की मांग कर रही है। हितेश जैन अवस्थी जो यूपी के डीजीपी हैं, इनकी इस्तीफे की मांग कर रही है आम जनता। सीओ रामसब इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा सस्पेंड किए गए हैं। एसआई जगवीर सिंह, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड किए गए हैं। एसपी सस्पेंड किए गए हैं। इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। हाथरस में जो हुआ है मैं शब्दों को बयान नहीं कर सकता। इस वक्त जो पीड़ित परिवार पे बीत रही है, देश की घटनाएं योगी सरकार पे, देश के प्रधानमंत्री पे लगातार सवाल खड़ी कर रही है। देश के अंदर जिस प्रकार से एक बहन एक बेटी के साथ एक दुष्कर्म किया जाता है, और लगातार राम राज्य की बात करने वाले, सबका साथ की बात करने वाली सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बलात्कार की घटना सामने आना किस बात की दुहाई देती है? क्या योगी सरकार पे सवाल खड़े नहीं होते? बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बेटी किसी की भी हो, चाहे पंडित की हो या मौलाना की हो, बेटी बेटी होती है, इस देश की बेटी होती है। आज जब उस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये दुष्कर्म की घटना पहली बार भारत में नहीं देखा जा रहा है। ये दुष्कर्म की घटना निर्भया से शुरू होती है, न जाने कितने बहन बेटियों पर जाकर सिलसिला खत्म होगा, समाप्त होगा। लेकिन आज जिस तरह से योगी सरकार चुप्पी साधी है, देश की तमाम संस्थाएं, देश की जनता हाथरस की बेटी पर सवाल उठा रही है। एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए से या उसकी कीमत लगाकर उसे चुप कराने की, उसकी आवाज़ दबाने की, पीड़ित परिवार की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश, गुनाहों का प्रदेश लगातार बनता जा रहा है। एक बात बताएं, क्या उस माँ का, उस बाप का इतना भी हक नहीं बनता कि एक बार वो अंतिम क्षण वो बेटी को देख सके? उसका चेहरा किस प्रकार से था? क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं बनता अस्पताल में जाके उसको साधना दे सके कि जल्द ठीक हो जाएगी? क्या आपको ये नहीं लगता हमारे देश के अंदर हमारी आज़ादी छीनी जा रही है? सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो उस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मीडिया के कैमरे बंद कराने की कोशिश की जाती है, मीडिया को पीड़ित से मिलने नहीं दिया जाता है। योगी सरकार दलितों की बात करने वाली रामविलास पासवान के सुपुत्र जो कंगना रनौत के लिए बात करते हैं सिक्योरिटी की, आज जब इतनी बड़ी घटना घटी है हाथरस की बहन के साथ, इनके मुंह से चूंकि आवाज़ तक नहीं निकली। जब देश के राजनेताओं के समर्थन वाले विकास दुबे का इनकाउंटर हो सकता है, तो क्या उन चारों अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो सकता? इस बात का जवाब दीजिए, क्या अपराधियों को गुनाह की सज़ा नहीं मिल सकती? और जब अंतिम क्षण में उसकी चिता रात के अंधेरे में जलाया जा रहा था, तो क्यों पुलिस वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे? क्यों उनको सवाल का जवाब नहीं दिया? आज वो शब्द नहीं है मेरे पास जो पीड़ित पर, जो गुजरी है, मैं आपके सामने रख सकूं, शब्दों में बयां कर सकूं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।